हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपको थंबनेल देख के या आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा वीडियो क्या है। यहाँ पर है पाठ्यक्रम शब्द के अन्य अर्थ क्या है। ठीक है, तो बेसिकली बीएड में पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्यचर्या हो गया, सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के इंसान, जो भी पर्सन है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये चीजें सेम है या फिर अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के ऊपर जो है यहाँ पर थोड़ा सा अपना एक वीडियो रखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको हमारा एक वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो है, यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है, इस शब्द के अन्य अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है वह है सिलेबस, यानी कि पाठ्य वस्तु। अर्थ में बेसिकली यहाँ पर है कि मतलब इनको मीनिंग इनका जो है सेम ही माना जाता है। ठीक है, हालांकि इन्हें अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, कहीं पर पाठ्यक्रम, कहीं पर पाठ्य वस्तु। ठीक है, लेकिन मेन जो है इनका अर्थ जो है वो लगभग सेम ही रहता है। तो सिलेबस है पाठ्य वस्तु, यानी किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा विषय वस्तु जिसे शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है और जो शिक्षक है वो छात्रों को इससे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिलेबस। सेकेंड है प्रकरण, यानी कि टॉपिक। शिक्षक अपने शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण छात्रों के लिए तैयार करता है, उससे उसके आंतरिक स्वरूप को प्रकरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो भी टॉपिक वो पढ़ाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में के अंदर से, जो भी चैप्टर उन्होंने उठा लिया, उसके अंदर कोई टॉपिक उन्होंने उठा लिया, तो वो टॉपिक भी जो है हमारा पाठ्यक्रम कहलाया जा सकता है। थर्ड है, इसे हम फील्ड ऑफ स्टडी भी बोलते हैं, यानी कि अध्ययन का क्षेत्र। यानी कि शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण कराया जाना होता है, उसका संबंध प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों से संबंधित होता है। यह अध्ययन का क्षेत्र कहा जाता है, इसे अनुशासन की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली पाठ्यक्रम का जो एक अन्य अर्थ है वो अध्ययन का क्षेत्र भी माना जा सकता है, कि एक ऐसा एनवायरमेंट बच्चों को देना, ठीक है, जहां पर वो एजुकेशन ले सके। फोर्थ है रुचि का केंद्र। शिक्षण में छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तथा उसी के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाता है। इससे जो है इसे ही रुचि का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब छात्रों की रुचि के अनुसार जो चीज हम तैयार करते हैं और उनको बताते हैं वो होता है रुचि का केंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, यानी कि समन्वित अधिगम। ठीक है, शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा छात्र को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जिससे जीवन की समस्याओं के समाधान के साथ विषयों का भी ज्ञान दिया जाता है, तब उसे समन्वित अधिगम की संज्ञा दी जाती है। मतलब बच्चों को ऐसे अनुभव प्रदान करना जिससे वो आगे जाके जीवन की समस्याओं से को हल कर सकें। ठीक है, उनके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं उनको हल कर सकें, उसी को जब जो है सब्जेक्ट के थ्रू जो है समझते हैं, तो वो क्या है, समन्वित अधिगम के अंतर्गत आता है। सिक्स पॉइंट है शैक्षिक अनुभव। विद्यालय में जो छात्र को अनुभव प्रदान किए जाते हैं उनका संबंध बालकों के विकास से होता है। पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। पाठ्य वस्तु तथा अन्य सहगामी क्रियाओं द्वारा जो अनुभव छात्र को प्रदान होते हैं उन्हें शैक्षिक अनुभव कहते हैं। मतलब शैक्षिक तौर पे, ठीक है, विद्यालय के अंदर शिक्षा लेते लेते जो भी अन्य अनुभव जो है बालक को होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रहे हो, खेल के माध्यम से हो रहे हो, मतलब जो भी वो सहगामी अपने शिक्षा के साथ साथ जो अन्य क्रियाकलाप वो कर रहे हैं उसके थ्रू उनको जो नॉलेज हो रहा है वो क्या है, शैक्षिक अनुभव कहलाता है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।